फर्रुखाबाद दबंग माफिया से परेशान रिटायर फौजी आमरण अनशन करने व आत्महत्या करने को मजबूर। पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। दबंगों ने रिटायर फौजी के लोहे की दुकान को उठाकर फेंका। फौजी ने दबंगों पर 15,600 दुकान में रखे लूटने का भी आरोप लगाया। रिटायर फौजी ने चौकी इंचार्ज मदनपुर पर मिलीभगत से लोहे का खोखा फेंकने का आरोप लगाया। रिटायर फौजी ने मदनपुर चौकी इंचार्ज व एसडीएम से न्याय की गुहार लगाई। 2 माह से लगातार न्याय के लिए भटक रहा फौजी, नहीं सुनी गई फरियाद। पारिवारिक जनों के साथ फौजी ने एसपी कार्यालय पहुंच न्याय दिलाए जाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया, वहां भी नहीं मिला न्याय। तो आमरण अनशन करेंगे। आत्महत्या कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र के गजियापुर गाँव का मामला। अच्छा, कब रिटायर हुआ था? सर मैं 2001 में। कहाँ का रहने वाले हैं आप? सर ग्राम गजियापुर, पोस्ट मदनपुर, जिला फरकाबाद। अच्छा, क्या मामला है, मिलने आए हैं? सर एसडीएम द्वारा मुझे समझौते में जगह मिलने, मैंने खोखा रखा और खोखा लोहे का रखा अपने दाल रोटी चलाने के लिए, उसमें सामान लाए किराने का। अरविंद दीक्षित के लड़के ने, नितिन दीक्षित ने, मेरा लोहे का खोखा रोड के उस तरफ रख दिया और फेंक दिया, और उसके बाद में उसमें 15,600 रुपये का सामान था वो निकाल लिया, और मुझे थाने में मदनपुर चौकी में रिपोर्ट दर्ज नहीं की। मैं पुलिस महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय के पास आया हूं, और मैं एसडीएम डीएम के पास में 2 महीने से चक्कर लगा रहा हूं साहब। मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मैं आज अपनी मर्जी से अनशन पे बैठ रहा हूं, जब तक मुझे निर्णय नहीं मिलेगा मैं भूखे प्यासे वहीं रहूँगा डीएम साहब के ऑफिस के सामने। कहाँ कहाँ शिकायत की थी आपने? मैंने पहले, सबसे पहले एसडीएम के पास में की, थाना मोहम्मदाबाद में की, तहसील दिवस में की, उसके बाद में मैंने डीएम साहब को दी, पुलिस अधीक्षक जी को दी, माननीय योगी जी के पास भी गए, वो मिले नहीं, हमने वहाँ दिया एप्लीकेशन। अब मैं मजबूर होके या आत्महत्या कर लूँगा या सर मैं वहाँ अनशन पर बैठ जाऊँगा मरते, जब तक मेरे को निर्णय नहीं मिलेगा तब तक मैं वहीं रहूँगा। मतलब पुलिस सुन नहीं रही है? पुलिस सुन नहीं रही है, शासन सुन नहीं रहा है। हम बहुत दुखी हैं, हमको बहुत आहत किया गया है, और मेरे पास ऑन रिकॉर्डेड है। ये चौकी इंचार्ज मदनपुर वो ये कह रहे हैं कि आपको ऐसे केस में फंसा दूंगा, आपके बीवी बच्चे चक्कर लगाते रहेंगे जिंदगी भर कचहरी में। योगी महाराज मेरी मदद करें। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।